हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का हमारा सेशन होगा बायोलॉजी का। जैसा कि अभी हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है और एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग कर रहे हैं साइंस, और साइंस में हम लोगों ने स्टार्ट किया बायोलॉजी को। और बायोलॉजी का आज है डे 13, और डे 13 में हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमारे जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पाचन पढ़ा है ना, श्वसन पढ़ा, हम लोगों ने उत्सर्जन पढ़ा, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को पढ़ा, हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम को पढ़ा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने सारे चैप्टर को कवर कर लिया। ये लास्ट चैप्टर हमारा है ग्लैंड्स एंड हार्मोन, है ना। ग्रंथि और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात कि मैंने यहाँ पे लिखा है संपूर्ण परीक्षाओं के लिए, मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा सेशन चल रहा है हमारा एनसीईआरटी साइंस सीरीज, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, अगर आपने सही तरीके से जितना दिन क्लास चलेगा साइंस का, सही तरीके से अगर आपने पूरा वीडियो देखा, सही से आपने नोट डाउन भी किया है, नोट्स भी बनाया, जो मैं एमसीक्यू करवाता हूँ उन एमसीक्यू को भी आपने ध्यान में रखा, प्रैक्टिस किया, तो ये गारंटी है कि आपके सवाल साइंस के 90% सवाल सही होंगे। कोई भी एग्जाम हो उठा के देख लीजिएगा। अभी मैंने जो ये 7 लेक्चर है ना, एटलीस्ट 7 लेक्चर्स तो मैंने लिया ह्यूमन फिजियोलॉजी का। 7 लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा है ना, जो मानव तंत्र है पूरा हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा। उन 7 वीडियो को देखने के बाद आप पेपर उठा लीजिए बीपीएससी टीचर वाला, है ना, उन 7 से इतने सारे सवाल दिख जाएंगे। बीपीएससी टीचर का अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ, सारे सवाल बनेंगे। आप सीडीएस का पेपर उठा लो, सारे सवाल बनेंगे। तो ऑलमोस्ट सारे सवाल आपको बन जाएंगे। अभी तो मैं जो ये आप देख सकते हैं, है ना, जैसा कि हमारा ये जो पूरा मानव शरीर के तंत्र में हम लोगों ने इन चैप्टर को कवर किया है ना। अब आज हमारा लास्ट चैप्टर है ग्लैंड्स एंड हार्मोन। तो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स को ख़त्म करने के बाद हम लोग कल करने वाले हैं लगभग 250 MCQ, है ना, 250 प्लस हम लोग MCQ करेंगे। और ये 250 प्लस MCQ जो होंगे वो कहाँ से होंगे, ये होंगे आपके, पहला बात तो प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे वेरियस एग्जाम में, चाहे SSC हो, UPSC हो, है ना, UPPCS हो, BPSC हो, CDS हो, टीचर वाला एग्जाम हो, उनसे होंगे सवाल, प्लस कुछ एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब कि जो सवाल नए बन सकते हैं। तो ये आपके 250 प्लस सवाल हो गए। और उसमें तो मैंने बीपीएससी टीचर के लगभग 60-70 सवाल डाले हैं जो कि पूछे गए हैं, और एकदम जो मैंने पढ़ाया, जब मैं पढ़ा रहा था तो बता रहा था इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको लगता हो कितना डिटेल चले जाते हैं कोई चीज़ को लेके, तो वो सवाल एग्जाम में आता है, हम उन चीज़ों को ही बताते हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी का निचोड़ मिलता है, आपको सवाल प्रैक्टिस भी हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना ये पूरे सेशन में। तो ये सेशन बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए, आप पूरा देखें, ठीक है, पूरा देखें। चलिए आज स्टार्ट कर, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग जनरली जो दो चैप्टर हमारा छूट गया था, जैसा कि सॉरी दो चैप्टर नहीं दो टॉपिक छूट गया था, हम लोग आँख के बारे में पढ़ना था, नर्वस सिस्टम जब पढ़ रहे थे, तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग आँख के फंक्शन को नहीं समझा, और हम लोगों ने एयर के फंक्शन को नहीं समझा, मतलब हमारा जो कान है उनके फंक्शन को हम लोगों ने नहीं समझा था। तो आय और ईयर, ये दोनों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद ग्लैंड पढ़ लेंगे, है ना, इसी में। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट आपका जाएगा, हम लोग आँख के बारे में समझेंगे, आँख के फंक्शंस बायोलॉजी के व्यू में, है ना, बायोलॉजी के व्यू में आँख के पढ़ेंगे, फिर हम लोग तो आँख के बारे में फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी के व्यू में पढ़ेंगे, इस बात को समझेंगे, ठीक है। ग्रंथि और हार्मोन जो चैप्टर है वो हमारा एनसीईआरटी में डील करता है, क्लास 10वां का चैप्टर नंबर 7, है ना, और क्लास 11th का चैप्टर नंबर 22। ये दो चैप्टर डील करते हैं आपके ग्रंथि और हार्मोन्स को लेके, है ना, कौन कौन से ग्रंथि है। हम लोग पूरा इस एनसीईआरटी को बेस लेके पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, चीज़ें ऐसे तरीके से पढ़ लिया जाए कि सवाल नहीं छूटे, सवाल कैसा भी बनाए हमें बन जाए। इजी सवाल सबको याद होता है भैया, कि ये वाला ग्रंथि से ये निकलता है, ये हार्मोन निकलता है, सब लोग रटे बैठे रटे पड़े हैं, लेकिन नया सवाल बनाएगा तो इसमें से बीच से एक सवाल उठा देगा, वहाँ पर आप फंस जाइएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उत्तर करेंगे, आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। और फिर हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि ये बुक को हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा बुक है, और इस बुक को का जो MCQ होगा इसमें लगभग 180 प्लस MCQ है इस चैप्टर से, मींस इस चैप्टर से नहीं, मींस कि पूरा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से 180 प्लस MCQ है, तो उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पहले समझ लेते हैं, नहीं पहले चलिए हम लोग पहले आँख के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन आई के बारे में समझेंगे, कैसे हम लोग
कोई भी चीज को देखते हैं, है ना, कैसे हमारा ब्रेन उस चीज को समझ पाता है कि ये क्या है ना, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे जनरली। और जनरली जाहिर सी बात है कि हम लोग न्यूरॉन सिस्टम पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ नर्व सेल्स होंगे जो कि हमारे इस जानकारी को पहुंचाता होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे। देखिए, आँख के बारे में पहले समझना नॉर्मल चीज जो होना चाहिए, ये हमारा आँख है ना, तो ये आँख के ऊपर तो आपको पता है क्या है ना, ठीक है। अब देखिए, ये जो आँख का जो व्हाइट पार्ट दिखता है ना आपको, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? अस्क्लेरा बोलते हैं। आँख के व्हाइट पार्ट को हम लोग अस्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्क्लेरा बोलते हैं। अस्क्लेरा की हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पटल। तो मैं लिख देता हूँ दृढ़ पटल, क्योंकि है ना, अब हर एक चीज का मुझे जानकारी, हाँ यहाँ पे अस्क्लेरा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ मैं लिखता हूँ दृढ़ पटल। देखिए, तो हमारे आँख, ये हमारा आँख है, अब ये आँख का जो सबसे बाहरी परत है उसको बोलते हैं अस्क्लेरा। ऐसा अगर हम लोग देखते हैं तो इसको स्क्लेरा बोलते हैं, और ऐसे दिखता है तो ये व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अस्क्लेरा। क्या बोलते हैं? हम लोग अस्क्लेरा बोलते हैं। तो पहला चीज कि हम लोग इसको अस्क्लेरा बोलते हैं, जो बाहरी पार्ट है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट समझना है, क्योंकि सवाल जब एग्जाम में आए तो हम लोग अच्छे से आंसर कर पाए, ठीक है, कोई भी सवाल नहीं छूटे, ठीक है। और सबसे आउटर लेयर है, और ये फाइबर का है, फाइबरस टिश्यू का बना, किस टिश्यू का बना हुआ है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अस्क्लेरा जो है फिब्रस टिश्यू का बना हुआ है, फिब्रस टिश्यू। यहाँ पे कोई ब्लड वेजल्स नहीं है, कोई भी हमारे जो रक्त के जो वाहिकाएं हैं वो आपको नहीं पाया जाता है, केवल फिब्रस टिश्यू का बना हुआ है, बाहरी पार्ट है। और इसी का जो अगला पार्ट है, इसी का जो आगे वाला पार्ट है, जो ये आप देख रहे हैं, ये है कॉर्निया। ये क्या है आपका? कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में, कॉर्निया जो है आपका बाहरी परत है, मैं लिख दिया आउटर पार्ट, बाहरी परत है, वाइट है और ट्रांसपेरेंट है, उजला दिखता है, और कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि इससे लाइट पास होगा। और सबसे ज्यादा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन जो होता है, वो कहां होता है? कॉर्निया में। तो सबसे ज्यादा प्रकाश अपवर्तन है ना, रिफ्रैक्शन, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? कॉर्निया। इस कॉर्निया से लाइट सबसे पहली बार कॉर्निया को एंट्री करती है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे लाइट को रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, अपवर्तन दैट मीन्स कि प्रकाश की अपनी जो कहने का मतलब है कि डेविएट हो अपने पाथ से, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो, जैसे आप पेंसिल डाल देते होंगे पानी में तो पेंसिल तीछा दिखा देता है, तो वो हुआ, समझ रहे बात को। तो कॉर्निया सबसे बाहरी पार्ट, सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन होता है, सबसे पहली बार यहीं पर आपको लाइट दिखा है। और कॉर्निया नेत्र दान में कॉर्निया ही देते हैं, नेत्र दान में कॉर्निया दिया जाता है, ठीक है। तो नेत्र दान में कौन दिया था पूछेगा, तो कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया इसलिए दिया जाता है नेत्र दान में कि कॉर्निया जो है वो फाइब्रस टिश्यू का बना, फाइब्रस टिश्यू का है मतलब यहाँ पे ब्लड वेजस, ब्लड का सप्लाई नहीं है, तो इसको आसानी से लोग डोनेट कर देते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अभी ये देखिए, इस जो हमारा जो कलर दिखता है ना, किसी का ब्लू आइज, मतलब ब्लू आइज है ना, किसी का ब्लैक होता है कलर, तो अलग अलग जो कलर आपको आँख के दिखता है उसको बोलते हैं आयरिस। तो आयरिस क्या बताता है? पहला बात, आयरिस क्या बताता है? कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द आई, ठीक है। अच्छा, इसी आयरिस में आपको गोल्ड, ब्लैक, ब्लैक सबका ब्लैक ही होता है, ठीक है, सबका जो आँख के बीच में जो होगा, जो आपको दिखेगा होल जैसा, वो ब्लैक होगा। कैसा होगा? एक सेकंड, ठीक है, ब्लैक। तो ये जो ब्लैक है, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं? पुपिल। क्या बोलते हैं? पुपिल बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक को हम लोग बोलते हैं पुपिल, पुपिल को पुतली, क्या बोलते हैं? पुतली। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुतली। तो पुतली भी मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुतली का क्या काम हो सकता है बताइए? देखिए, जनरली देखिए, हम लोग आयरिस के बारे में समझ, आयरिस क्या है? कलर ऑफ आई को डिनोट करता है, और इसी के बीच में मैं लिखता हूं आयरिस के बीच में पुपिल्स होता है, पुपिल्स मतलब पुतली होता है। और पुपिल्स का क्या काम है? पुतली का क्या काम है? जहां से प्रकाश एंट्री करता है,
जो हमारा कोई भी चीज को देख रहे हैं जाहिर सी बात उस लाइट रे एंट्री करेगा तो प्रकाश एंट्री करेगा, समझ रहे बात को। तो सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ा, कॉर्निया से आगे बढ़ा, कॉर्निया के आगे एक लिक्विड चेंबर है, फ्लूड वाला भरा हुआ चेंबर है ना, उसमें तरल कुछ भरा हुआ है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, बोलते हैं आपका एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं जलीय द्रव बोलते हैं। एक्वस मतलब जलीय होता, तो जलीय द्रव भरा हुआ, उसकी जस्ट बाद आपको दिखाई देगा ये वाला आयरिस, है ना, आयरिस के बीचों बीच में आपको दिखाएगा, कौन दिखाई देगा आपको, ब्लैक वाला पार्ट जहां से लाइट प्रकाश एंट्री करता है, उसको पुपिल बोलते हैं, पुतली जहां से प्रकाश एंट्री होता है। अच्छा, कभी कभी आप देखते होंगे कि अचानक आप धूप में रहते होंगे, बहुत धूप में आप रहते होंगे तो आपकी आँख थोड़ा थोड़ा मतलब बंद होना स्टार्ट होता होगा, ठीक है, आँख, फिर अब जैसे अचानक पूरी लाइट से अचानक रूम में आते होंगे तो थोड़ा सा कम दिखता होगा, फिर धीरे धीरे आपका धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाता होगा। होता क्या है कि जब ज्यादा लाइट हमारे आंखों पे आने, हमारे आंखों के अंदर एंट्री करने लगता है तो पुपिल जो है ना वो अपना साइज छोटा कर लेता है। कैसे छोटा होता है, वो छोटा करता है आयरिस, कौन करता है आयरिस। तो आयरिस का एक और काम है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, कितना लाइट आना है उसको कंट्रोल करना, अमाउंट ऑफ लाइट इन पीपल्स, पीपल्स के अंदर कितना लाइट घुसेगा उसको कंट्रोल करता है आपका आयरिस। तो आयरिस का ये काम हो गया, तो एडजस्ट करता है, जैसे आप लोग ज़्यादा लाइट आएगा तो जो आपका ये आयरिस है वो इसको फैला कम कर देगा, और जब ज़्यादा कम लाइट आएगा तो उसको फैला, तो अंधेरा में आप एंट्री करिएगा तो पीपल्स एक तरह पर्दे का काम कर रहा है। जब धूप होता है तो अब जाहिर सी बात है कि आप दिन में ज़्यादा धूप ना आए रूम में तो पर्दा लगा देते हैं ना, और जैसे शाम होता है हम लोग पूरा पर्दा खोल लेते, पर्दे की तरह अपने पीपल्स के आगे पर्दा है, समझिए, है ना, तो खुलता है और बढ़ता है। तो ज़्यादा लाइट रहेगा तो वहाँ पे वो आपका छोटा हो जाएगा होल, जहाँ पे कम लाइट होगा वहाँ पे होल बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए कि जो आपके अंधेरे में आप थोड़ा सा कम रोशनी रहता है वहाँ पे आपकी आँख ज़्यादा खुलते हैं, मतलब पुतले ज़्यादा खुलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट बाद आपको एक दिखाई देगा लेंस, कौन सा, ये लेंस है, आँखों का लेंस है और ये आँखों का लेंस जो है भैया, इसके बारे में आपको ध्यान में रखिएगा कि कॉन्वेक्स है, कैसा है, कॉन्वेक्स इन नेचर की मतलब कि ये आपका उत्तल, कैसा है, उत्तल है, पहला बात उत्तल है। लेंस का काम क्या होगा, जाहिर सी बात है कि लाइट को पास कराएगा, फिर आपका आगे जाके इमेज फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। और लेंस है जो कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस उत्तल जो आपका लेंस होता है वो कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग मतलब लाइट को एक जगह फोकस कराती है, कॉन्वर्ज, बहुत सारा लाइट आएगा उसको एक जगह फोकस करा देगी, है ना। तो कोई भी लाइट है ना, जैसे यहां से लाइट आ रहा है तो ये क्या करेगी, इसको कन्वर्ज कराएगा, एक जगह फोकस कराना, देखिए एक जगह फोकस करा देना यहां पे, ये रेटिना फोकस कराते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो कन्वर्जिंग लेंस है और ये लेंस जिससे अटैच है इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लेंस जो हमारे आंखों में अटैच है, हमारे आंखों में टंगा हुआ प्रतीत होता है, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड है। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो भाग है वो किसका है, सिरलियरली मसल्स का, ये सिरलियरली मांसपेशियां आपको दिख रहा है। तो सबसे बाहर वाला लेयर को हमने बोला कि स्केलर, सबसे बाहर वाला लेयर स्केलेला है, इसको डिड पटल बोलते हैं, फाइबरस का बना है, और उसी का अगला पार्ट जो है कॉर्निया दिखाई देता है। फिर जो बीच वाला लेयर है जहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंटेड लेयर, उसको बोलते हैं कोरोइड से याद रखिए कलर, ये पिगमेंटेड लेयर है, कैसा लेयर, इसमें आपको पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ये पिगमेंटेड लेयर हैं, और ये लेयर में आपको ब्लड वेजल्स भी आपको दिखाई देंगे, ये लेयर वास्कुलर है, ब्लड वेजल्स भी दिखाई देंगे। आप लिखेंगे कि जो कोरोइड्स है ना, कोरोइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, रक्तक पटल बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, रक्तक पटल, तो ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला लेयर जो आपको दिख रहा है ना, ये जो जहां आपको सिलरली मसल दिख रहा है, और जहां से आप देखिए कि एकदम यहां पर देखिए, है ना, ये रक्तक मसल, ये क्या है आपका, रक्तक मसल। तो ये जो बीच वाला जो आपका लेयर है उसको कोरोइड बोलते हैं, है ना, कोरोइड बोलते हैं, रक्त लेयर, रक्त
क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक सेकंड थोड़ा, रक्तक पटल, ठीक है, क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। तो क्रोइड को बोलते हैं रक्तक पटल, आपको ध्यान में रखिएगा बस, इतना ज़्यादा नहीं। और इसी से इसी इसी का भाग है आपका जो जिसको बोलते हैं सेलियरली मांसपेशियाँ। और सेलियरली मसल्स के बारे में आप ध्यान रखिए कि पहला बात कि लेंस जो है, लेंस है ना, जो लेंस है इसको पकड़ कर रखा, पकड़ कर सिलियरली मसल्स रखा है ना, सिलियरली मसल पकड़ कर रखा, मतलब पूरा कंट्रोल इसके ऊपर होगा। अब कैसे, जैसे कि हम दूर में कोई सामान रखा उसको देख रहे हैं, फिर अचानक नजदीक देखने लगे, तो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ तो चेंज होता होगा ना भाई, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ, आंखों का चेंज होना बार बार, उस कहलाता है अकोमोडेशन, समायोजन। क्या बोलते हैं हिंदी में, समायोजन। तो आंखों का समायोजन या आंख के लेंस का समायोजन सिलियरली मसल्स के द्वारा होता है। सिलियरली मसल का काम है आंखों के लेंस का समायोजन। समायोजन मींस, दैट मींस की अकोमोडेशन। एग्जाम में पूछा अकोमोडेशन, हमारे आंख का जो अकोमोडेशन होता है उसके लिए कौन सा मसल्स जिम्मेदार है, क्या कौन सा आंख का कौन सा पार्ट। तो समायोजन जो होता है आंखों का, जिसको अकोमोडेशन बोलते हैं, फोकल लेंथ को चेंज करना डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये सब चीज़ है ना, तो सिलियरली मसल्स के द्वारा होता है, खत्म। इतना चीज़ आपको याद रखना पहला बात, ठीक है। आपको जो मेन चीज़ मैंने बता दिया कि अगला पार्ट कॉर्निया है, बाहरी पार्ट है कॉर्निया, फाइबर का बना हुआ, फिब्रस का बना हुआ, मतलब फिब्रस मसल्स हैं उस पे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको एक पानी मिलेगा, पानी वाला दर्रा, फिर उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको आयरिस मिलेगा, उसी आयरिस के बीच में एक छेद होगा, मीन्स होल होगा, ब्लैक होगा, है ना। फिर ब्लैक होल के बाद आगे आपको लेंस दिखाई देगा, ओके। और इस लेंस से आपको सारे जो लाइटें हैं कन्वेक्स होती हैं, और ये लाइटें जो आपको कन्वर्ज हो जाती है। ये जुड़ा हुआ लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट से, जो कि एक आपका सिलियरली मसल्स का पार्ट है ना, और सिलियरली मसल्स जो आँखों के अकोमोडेशन, लेंस को मोटा करना, लेंस को ऐसे फैला देना, लेंस को ऐसे गोल कर देना, लेंस को फैला देना, यही काम होता है ना। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तक हम लोगों ने आंखों के बारे में समझ लिया, ठीक है, आंखों के बारे में। अब देखिए, कभी कभी आंख के, आंख आप देखिएगा ना, तो आंख के इस साइड में ऐसे आपको मेम्ब्रेन दिखाई देगा, इसको बोलते हैं आईलिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईलिड। ऐसा लगता है कि आंख क्लोज करने वाला, आईलिड बोलते हैं, आईलिड। तो ये हमारा है, इसका कहलाता है थर्ड आईलिड, थर्ड आईलिड। देखिए हमारा आंख है ना, आंख जस्ट जैसे कि हम लोग आंख कैसे बंद करते हैं, आंख हम लोग ऐसे बंद करते हैं, लेकिन पक्षियों में आप देखेंगे ना तो आंख ऐसे बंद होता है, उनका आंख है जो इस तरह से बंद होगा। कभी आप देखिए चिकन उगन को, तो इस तरह से आंख बंद होता है, तो उसको बोलते हैं आईलिड। हम लोग का आईलिड तो ये है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड आईलिड। तो थर्ड आईलिड हालांकि मनुष्य में पाया था, लेकिन ये एक तरह का वेस्टिजल ऑर्गन, वेस्टिजल ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन हमारे शरीर में नहीं भी होगा तो चलेगा काम, वेस्टिजल ऑर्गन। अब हिंदी में क्या शायद अधिशेष कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे हिसाब से नहीं ध्यान में आ रहा है ना। तो एक क्या है, वेस्टिजल ऑर्गन है हमारा आँख का, जो थर्ड आईलिड है वो एक वेस्टिजल ऑर्गन है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हम आगे चलते हैं। देखिए उसी का आपका फिगर है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं फिर से दो दो फिगर डाल दिया हूँ समझने के लिए। आगे वाला जो पानी जो बोलते हैं ना, जिसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर चैम्बर का, मतलब इसमें एक्वसोमर है। और ये जो लेंस और ये आपका जो रेटिना जहाँ पे आपका इमेज बनता है, इसके बीच में भी एक लिक्विड भरा हुआ है, उसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर या विट्रस चैम्बर, कचाभ द्रव, कचाभ द्रव, ठीक है, कचाभ द्रव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई आयरिस का फंक्शन समझ लिए, लेंस का फंक्शन समझ लिए। अब जब ध्यान में रखिएगा, ये लाइट कॉर्निया से आपका प्यूपिल से आपका लेंस कन्वर्ज कर देगा, है ना, और कन्वर्ज करके आपको इमेज बनाएगा यहाँ पे रेटिना पे, है ना, इमेज बनाएगा रेटिना पे, ठीक है, इमेज रेटिना बनाएगा, सबको पता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब लेकिन हमें समझना है कि यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनता है तो हमें दिखाई कैसे देता है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा और अच्छे तरीके से। लेकिन अब देखिए, ये हमारा आँख का एक चीज़ और मुझे बताना, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। ये जब आँख आप देख रहे हैं ना, तो आँख के ऊपर ये जो ये क्या हमारा आईलिड है ना, जो हमारा आँख बंद होता है ना, जिससे हमारा आँख बंद होता है, इसमें बाल वाल होते हैं, आईलिड है। आईलिड के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा ये एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है आँख का,
सबसे बाहरी मेम्ब्रेन तो कॉर्निया स्क्लेरा तो है, लेकिन एक और मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। क्या बोलते हैं? बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर। हम लोग बोलेंगे एक बाहरी लेयर होता है आँख का, मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। जब हमारा बोलते हैं ना आँख आ गया, हमारा बोलते हैं ना आँख आ गया बोलते, उसको बोलते हैं हम लोग पिंक आई भी बोलते हैं। एक फ्लू है ना, वायरस से होता है, हमारा आँख फूल जाता है ना, तो आँख आना बोलते हैं। ओके, तो पिंक आई जो है ये कंजक्टाइवा के फूलने से होता है, इसलिए इस पिंक आई का एक और नाम है कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। देखिए जहाँ जहाँ आपको बायोलॉजी में है ना या इंग्लिश शब्द में ITIS लास्ट में लगा हो है ना, तो उसका मतलब होता है फूलना, है ना, फूलना होता है, स्वेलन होता है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है आपका है वो आपके उस कंजक्टिवा का फूलने से होना था, ठीक है, फूलने से होता है, ठीक है, ख़त्म। अब ये जब यहाँ पे जो जो सबसे इनर लेयर आँख का इनर लेयर, हमारे आँख का जो सबसे आंतरिक लेयर है उसको बोलते हैं कॉर्निया, सॉरी क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना, है ना, इसको बोलते हैं रेटिना। तो आँख के जो जो अंतिम लेयर है उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं भैया? रेटिना बोलते हैं। अब रेटिना के बारे में आप समझिएगा, ठीक है, रेटिना के बारे में आप समझिएगा, इसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहां रेटिना लिखा है दृष्टि पटल, क्योंकि यहीं पे इमेज बनता है। पूछा कि इमेज कहां बनेगा, तो बोलेंगे हम लोग हमारा जो इमेज बनेगा वो रेटिना या दृष्टि पटल पे बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे जनरली आप समझिएगा कि कॉर्निया वाला जो रीजन, ये पूरा कॉर्निया का रीजन है, इस कॉर्निया वाला रीजन में एक जगह है ना, ये जो आपको जगह है यहां पे एक, अब मैं बता दूं आपको, यहां पे होता है एक उसको बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। एक जगह उसका नाम रखा गया है येलो स्पॉट। और एक जो यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे उसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। हर एक चीज में बताऊंगा, तो येलो स्पॉट में आपको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नर्व सेल पाए जाते हैं, वो होते हैं रोड और कॉन्स, रोड एंड कॉन्स, ठीक है। अभी जो जो बता रहा हूं उतना दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो हमारा जो भी लाइट वाइट आएगा, जो भी चीज, अब इसको मेरे दिमाग को पढ़ना है कि भाई हम क्या देख रहे हैं, क्या चीजें हैं, इमेज बनाना है, सब कुछ करना है, ये सब दिमाग के कंट्रोल में होगा, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होगा। और ये रेटिना के पास बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, और वो नर्व सेल्स कौन कौन से होते हैं? गैंगोलियन सेल, बाइपोलर सेल, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और दूसरा है रोड एंड कॉन्स। रोड एंड कॉन्स को हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो मतलब लाइट, लाइट को रिसेप्टर करने वाली कोशिकाएं, प्रकाश ग्राही कोशिकाएं का नाम है रोड एंड कॉन्स। तो प्रकाश ग्राही कोशिकाएं रोड एंड कॉन्स के पास लाइट आएगा, इस लाइट को पढ़ लेगा वो और ब्रेन को भेजेगा कि भैया ये देख रहे हैं, तो रोड एंड कॉन्स आपका ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और येलो स्पॉट के पास ज्यादा संख्या में आपका कॉन्स होता है जो ज्यादा संख्या में, ये संख्या ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान में। क्या एग्जाम में पूछ दे, है ना, तो रोड और कॉन्स में सबसे ज्यादा कॉन्स होता है कहाँ पे? आपका येलो स्पॉट पे। येलो स्पॉट पे एकदम सबसे ब्राइटेस्ट, अगर यहाँ पे इमेज बनेगा येलो स्पॉट पे, तो ब्राइटेस्ट इमेज, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट इमेज सबसे अच्छा इमेज जो बनेगा येलो स्पॉट पे बनेगा। और एक है ब्लैक स्पॉट, जहाँ पे रोड और कॉन्स RNC है ही नहीं, कटकुट नहीं है, तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो डार्केस्ट बनेगा, यहाँ पे इमेज सही नहीं बनेगा, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे रेटिना बनता है, और यहाँ पे तीन तरह के सेल, आपको नाम याद रखना चाहिए, है ना, और उसमें भी येलो स्पॉट पे आपको रोड एंड कॉन्स पाए जाते हैं, ये सब नहीं, तो गंगोलियन सेल, बाइपोलर सेल और रोड एंड कॉन्स, कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग इधर से अंदर जाएंगे, है ना, इधर से हम लोग अंदर जाएंगे, तो RBG, आप लोग, आप देखो RBG तो सबको पता है, कलर में सब लोग पढ़ते हैं ना, आर रोड एंड कॉन्स आ जाएगा इसमें, बी बाइपोलर और जी। मैंने बाइपोलर के बारे में बताया था भाई, टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स के प्रकार, उनके प्रोसेस के आधार पे मैंने बताया था आपको, बाइपोलर यूनिपोलर कहाँ पाया जाएगा, मल्टीपोलर कहाँ पाया जाएगा। तो बाइपोलर मैंने बताया था आपको कहाँ, एक तो आपके ओल्फैक्टरी लोब्स जहाँ आप सूंघते हैं, और एक आपका
आँख में, तो वही यहाँ पे आया। तो एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे बोलेगा कि तो टफ बोल दिया। तो सिंपल चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो सफिशियंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, एक सेकंड मैं कुछ चीज़ें देख लेता हूँ, जैसे कुछ ऐसी चीज़ छूट जाए तो मैं उसको मैं करवा दूंगा। हाँ, रोड एंड कॉन्स के बारे में तो बताओ ना अभी, है ना। रोड एंड कॉन्स ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल है, लेकिन रोड और कॉन्स के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में कराऊंगा आपको, जो कि इस स्लाइड में है ना, ठीक। इधर इधर मत दिखिएगा, ठीक। इधर इधर अभी इंग्लिश है, डरिएगा मत, अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वो समझना, ठीक है, रोड एंड कॉन्स के बारे में। एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है। रोड, रोड को रोड में हिंदी ही लिखते हैं, ठीक है, रोड्स और कॉन्स, ये दोनों कैसे हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स है ना, दोनों प्रकाश के प्रति सेंसेशन होगा। तो रोड जो है वो डीम लाइट और ये कॉन जो है वो ब्राइट लाइट के प्रति ज्यादा सेंसेशन है। ज्यादा लाइट रहेगा तो कॉन्स कोशिकाएं उसके ऊपर ज्यादा सेंसेशन दिखाएगी, और डिम लाइट रहेगा तो रोड कोशिकाएं ज्यादा सेंसेशन दिखाएगी। तो रोड और हाँ, और कॉन्स का एक और फंक्शन है ब्राइट लाइट और कलर, कलर को भी जो देखने का काम करता है ये कॉन कोशिकाएं। रोड कोशिकाएं डिम लाइट और ब्राइट कोशिकाएं अगर पूछेगा, कलर पूछेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्स बोलेंगे। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आप देखते होंगे ना कि उल्लू को रात में दिखता है तो ज्यादा रोड उनके रेटिना में ज्यादा रोड है, तो मतलब डिम लाइट को ज्यादा बहुत ही करता है, तो डिम लाइट में भी उसको दिखाई देता है, समझ रहे बात को। डार्कनेस को भी वो देख सकता है ना, डार्कनेस में भी वो देख पाता है अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके पास जो है ना रोड्स को सिखाई जाता है। अच्छा, रोड्स के बारे में आप ध्यान में रखिएगा कि फोटो सेंसिटिव तो है, फोटो सेंसिटिव तो दोनों है, फोटो सेंसिटिव तो है, लेकिन रोड्स के बारे में एक और चीज रखिएगा, इनके अंदर एक पिगमेंट है जो पर्पल कलर में पाया था, पर्पल कलर में पाया था पिगमेंट, रोडोस्पिन है। क्या है, रोडोस्पिन। तो रोड है तो रोडोस्पिन, पर्पल लिखना आपको सब कुछ, पर्पल पिगमेंट दैट इज रोडोस्पिन, रोडोस्पिन। और रोडोस्पिन पिगमेंट जो है ये विटामिन ए से बनता है, विटामिन ए से बनता है रोडोस्पिन, और ये पिगमेंट पाया जाता है रोड्स कोशिकाएं में, रोड्स सेल्स में, रोड्स सेल्स में। अच्छा, कॉन्स में भी एक आपका पिगमेंट पाया जाएगा जो कि वायलेट कलर का होगा, उसका नाम है आइडोस्पिन। ये कॉन्स में है वायलेट कलर का, वायलेट कलर का है पिगमेंट, उसका नाम है आइडोस्पिन। क्या नाम है, आइडोस्पिन, है ना, आइडोस्पिन। तो आपको चीजें याद रखना, आपको चीजें ध्यान में रखना, आप कुछ भी चीजें इतने अच्छे तरीके से अगर आपको मैं पढ़ा दूंगा कि कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। अब मैं जो आप बताइएगा, ठीक है, अभी तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, लोगों को दिखता नहीं है, मतलब कलर, सॉरी, मतलब कलर नहीं दिखता है, मीन्स ग्रीन और रेड में फर्क नहीं बुझाता उनको, ओके। उनको अगर आप शेयर मार्केट का दिखा दीजिएगा, माइनस ना, माइनस रेड में होता है शेयर मार्केट का, अगर उनको दिखा दीजिए तो उनको ग्रीन दिखाई देगा, मतलब सही से नहीं पकड़ पाएंगे, जनरली माइनस तो लगा होता है। तो जो आपके, क्या मैंने बताया आपको, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर को नहीं पहचान पा रहा है, मतलब उनमें कॉन्स की संख्या कम। मैंने इसे दिखाया है ना, डाउन एरो, मतलब कॉन्स, जिनके आंखों में कॉन्स सेल की संख्या कम होगी उनको कलर ब्लाइंडनेस होगा, है ना। डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस का एक और नाम है, दैट इज डाल्टोनिज्म, डाल्टोनिज्म। थोड़ा बड़ा लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, दिल घंटे का लेक्चर होगा, लेकिन सीखेंगे तो चीजों को यार, ठीक है। तो डाल्टोनिज्म क्लियर हो गया है ना। अच्छा, यहाँ तक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, और बाकी एक दो पॉइंट ऐसा छूट जाएगा अगर आँख में ना ऐसा कुछ एक दो पॉइंट छूट जाएगा तो उसको हम लोग सवाल के माध्यम से कर लेंगे, सवाल तो करेंगे कल हम लोग, ठीक है। तो ठीक है, तो लाइट आया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सेल्स हैं, ये सब सेल्स न्यूरॉन सेल्स हैं, पहुँचाया दिमाग को, ब्रेन को, और ब्रेन में कौन बताया था मैंने, ऑक्पिटल लोब, पीछे वाला जो हमारा जो लोब्स है ना, बोलते हैं ना यहाँ पे अगर लग गया तो आदमी अंधा हो जाता, तो ऑक्पिटल लोब्स हैं जो ब्रेन का है ना, हमारा सेरेब्रम का जो पार्ट है वहाँ पे ऑक्पिटल लोब से जो रिस्पॉन्सिबल है देखने के लिए, तो इसको आपको समझना है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, आँख से लाइट आया, ये नज़दीक वाला वस्तु, ये वस्तु दूर में है, ये लेंस आपका कन्वर्ज कर दिया और यहाँ पे हमें दिखाई दे दिया रेटिना पर, ठीक है। तो ये दूर में कोई वस्तु अगर रखा है तो हमें
सिरली मसल्स क्या होगा, रिलैक्स होगा। सिरली मसल जैसे वैसे दूर की वस्तु देख रहे हैं, सिरली मसल एकदम आराम से फैला हुआ रिलैक्स जैसा उसको रहता है मूड में, वैसा दूर की वस्तु देख रहा है सिरली मसल आराम से। लेकिन जैसे ही नजदीक देखेंगे तो हमारा कहीं ना हम देखते हैं, जैसे आप नजदीक कुछ देखिए तो लगेगा आप आंख ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, है ना, आप आंख लेंस को बड़ा कर रहे हैं। तो क्लियर है, ये तो कोई मतलब है नहीं, है ना, ये तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और ये सिरली मसल्स ही आपके लेंस को बड़ा बस करेगी। तो जनरली दूर की वस्तु को देखने टाइम में हमारा सिरली मसल रिलैक्स होता है और हमारा लेंस कैसा होता है, पतला होता है, फ्लैट एंड पतला। लेकिन जैसे ही नजदीक आएंगे तो हमारा लेंस जो है वो गोल हो जाएगा, एकदम गोल शेप में आना स्टार्ट होगा, क्योंकि सिरली मसल जो कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो नियर बी ऑब्जेक्ट देखने के लिए सिरली मसल कॉन्ट्रैक्शन कर लेगी और हमारा लेंस बहुत राउंड बन जाएगा और फिर सही तरीके से हम फोकस कर पाएंगे। और यही सब क्या कहलाता है, यही सब आपका कहलाता है अकोमोडेशन ऑफ आई, अकोमोडेशन ऑफ आई जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिरली मसल्स। क्लियर हो गया, खत्म। दूर की वस्तु के लिए हमारा मसल्स रिलैक्स में है और नज़दीक वाला लोग ज़्यादा दर्द देते हैं, तो नज़दीक वाला वस्तु में हमें ज़्यादा नज़दीक से देखना पड़ता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, हमें कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हमें विजन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है, कुछ ऐसे बीमारी हैं जो हमारे आँखों में होते हैं उसके बारे में समझना है। नॉर्मल देखते हैं तो हमारे रेटिना पे बनता है फिगर, लेकिन जब आपको मायोपिया हो जाएगा ना, ठीक है, मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष मतलब भैया तो आपके अंदर दोष है निकट दृष्टि का, आप निकट ही देखते हैं, आप दूर नहीं देख पाते, दूर में देखने में आपको ब्लरिंग लगता है। तो निकट दृष्टि दोष जनरली जब होता है तो आप नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं और दूर की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो आपका इमेज बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है इमेज, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मायोपिया मैं इधर लिख देता हूं, है ना, मायोपिया, है ना, मायोपिया, एक सेकंड, ठीक है, मायोपिया, मायोपिया मैं लिख दिया। अब इसमें क्या हो रहा भैया, बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु देखने में परेशानी, कटकुट मतलब परेशानी में समझ, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, है ना। कैसे सही होगा, तो बोलेंगे हम लगाएंगे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के सहारे उत्तल लेंस अगर आप लगा लेते हैं तो आपको ये चीज सही हो जाएगा, आपको रेटिना पे इमेज बनना चालू हो जाएगा। तो मायोपिया में ये तीन पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये तीन पॉइंट याद रखना है, ओके ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारा एक है हाइपरमेट्रोपिया, ये नाम है हाइपर और फिर है मेट्रोपिया, या हाइपरो हाइपर मायोपिया भी बोलते हैं, हाइपरोपिया भी बोलते हैं, सॉरी मेट्रोपिया नहीं, हाइपरो हाइपरोपिया या हाइपर मायोपिया बोल दीजिए, ठीक है, हाइपरोपिया बोल दीजिए, ठीक है, हाइपरोपिया। चलिए हाइपरोपिया मतलब हो गया दूर दृष्टि दोष, भैया दूर का वस्तु तो आप देख लेते हैं लेकिन नजदीक को देखने में आपको परेशानी होता है, है ना। तो दूर दृष्टि दोष डैट मीन्स कि आप नजदीक की कोई वस्तु में आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे, नजदीक में फोकस नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि आपको जरूरत है अब कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। तो हाइपर ओपिया, हाइपर ओपिया आप देखिए बड़ा है लेंस, जरूरत पड़ेगा कम अक्षर वाला, कॉन्वेक्स में मात्र छह लेटर है ना, CONVX, तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब आपका अवतल दर्पण, है ना। और मायोपिया देखिए, मायोपिया छोटा अक्षर में आप छह डिजिट का है और इसके जो लेंस जरूरत पड़ेगा बड़ा वाला मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो आपका सात अक्षर का, है ना। तो ऐसे आपको याद रख सकते, भुलाइएगा नहीं, है ना, अगर आप सही तरीके से कवर करिएगा तो चीजों को, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस कंप्लीट हो गया और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपका मतलब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आपको कंप्लीट हो गया। फिर एक होता है एस्टिगमेटिज्म, है ना, एस्टिगमेटिज्म को बोलते हैं जनरली हम एक नाम, एक समय इसका नाम हिंदी में देखिए एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसका नाम के बारे में आपको बता दूं जनरली, एक सेकंड, क्योंकि देखिए सब कुछ का हिंदी मैं जब करा रहा हूं तो कोई चीज़ नहीं, शायद इसका हिंदी होता है एस्टिगमेटिज्म का दृष्टि वैषम्य होता है, शायद दृष्टि वैषम्य ही होता है, आई थिंक ओके, दृष्टि वैषम्य ही होता होगा,
मैं एक बार देख लूं तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हाँ, दृष्टि वैषम्य, देखिए नाम कितना खतरनाक है यार, दृष्टि वैषम्य। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन देखने में परेशानी होता है। तो एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है, हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स, है ना, ऊर्ध्वाधर और जो भी हो, है ना। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन को सही तरीके से आप सही मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा, तो ये आपको क्या हो गया है, एस्टिगमेटिज्म हो गया। ये कैसे सही होगा, कैसे सही होगा, ये आपको जो बीमारी है वो कैसे सही होगा, तो बोलेंगे सिलिंड्रिकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस। अच्छा, एक और बीमारी है प्रेस, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये जब बुढ़ा हो जाएगा, बुढ़ा, तो आपका जो लेंस है ना भैया, वो लेंस जो फोकल लेंथ चेंज कर रहा है बार बार, अकोमोडेशन, सिलरली मसल सही तरीके से नहीं काम कर पाएगा, तो आप फोकस ही नहीं कर पाए चीजों को, ठीक है, आप धुंधला सबको दिखाई देगा, ब्लर ब्लर, है ना, उसको बोलते हैं प्राइस बायोपिया बोलते हैं, प्राइस बायोपिया बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। और ये आपका सही होता है बाई फोकल लेंथ से, बाई फोकल लेंथ से। ओके, ठीक है, हम लोगों ने सब देख लिया, जो विजन डिसऑर्डर था हम लोगों ने समझ लिया, और यही से एग्जाम में आता है, इससे ज्यादा बाहर सवाल नहीं आता है। अब हम लोग समझेंगे आँख, कान के बारे में, ठीक है, हम लोगों ने आँख को खत्म किया, अब हम लोग समझते हैं कान को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ लगभग मैंने। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एयर के बारे में, ठीक है, एयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मीन्स कान के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा एयर का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा एयर मीन्स कान, है ना। अब हम लोग जनरली जो भी कुछ सुनते हैं उसके बारे में समझेंगे। अच्छा देखिए, आपको पता है कि जो साउंड है वो आपको जब ट्रेवल करेगी तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, उसको ढकेलते ढकेलते मतलब, तो उसमें कुछ एक कंप्रेशन, उसमें कुछ कंपन पैदा करती है, उस तरह से हमें साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे तरीके से, ठीक है, अभी हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन अब हम समझेंगे कि यही हमारे कान में किस तरह से प्रोसेस होता है कि हम लोग उस जो वॉइस है उसको हम लोग सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हम उसके बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होगा उस चीज़ को समझेंगे। तो हमारा ईयर का जो बाहरी पार्ट है उसको बोलते हैं पिन्ना। जैसे कान किसी का पकड़ लिए तो उसका पिन्ना पकड़े, तो ये बाहरी पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है पिन्ना, जो आपको दिखाई दे रहा है ये बाहरी पार्ट आपको है पिन्ना, है ना, ये आपका पिन्ना है जो एक तरह काटिले से बना हुआ पूरा, है ना। तो बाहरी पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये पिन्ना दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जनरली ईयर को तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं कान को, एक तो हम लोग पढ़ते हैं आउटर ईयर, एक हम तो मिडिल ईयर, एक इनर ईयर। आउटर ईयर में पिन्ना आ जाएगा ये पूरा यहाँ से, और फिर उसके बाद जो हमारा ये जो कान का जो बोलते हैं ना, कान का जो नाली है, कान का जो नाली है, तो कान का जो नली है ये हमारा एयर कैनाल इसको बोलते हैं। उसके बाद बीच वाला जो लेयर मिडिल लेयर, उसमें तीन हड्डियाँ हम लोग पढ़े थे जब मैंने पढ़ाया था आपको स्केलेटल सिस्टम, तो मैंने तीन हड्डी के बारे में बताया था, और वो तीन हड्डी कौन कौन सा था, मिस, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मैलियस जो कि हथौड़े ऐसा शेप का है इसलिए हैमर भी बोलते हैं, है ना। इनकस को हम लोग एनविल बोलते हैं, और स्टेपिज को अगर हम बात करेंगे तो स्टेपिज का एक और नाम आता है जनरली, एक सेकंड, स्टेपिज का एक और नाम दिखता है उसको, हाँ, स्टीरप बोलते हैं, स्टीरप, ठीक है। तो स्टेपिज का एक और नाम आता है उसको बोलते हैं स्टीरप, इसको बोलते हैं स्टीरप। मैं लिख देता हूँ क्योंकि हर एक चीज़ जरूरी है ना एग्जाम में, तो हर एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा मुझे। स्टीरप, स्टीरप मतलब हुआ जब आप कभी घोड़े पर चढ़ेंगे तो घोड़े जब चढ़ेंगे तो पैर रखने के लिए जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, इस तरह का शेप होता है ना, इस तरह का शेप होता है, इस पर पैर रखते हैं, तो आपको इनकस वैसा ही दिखाई देता है। और सबसे छोटी हड्डी आपको दिखाई, मतलब यहाँ पे स्टेपिज है, उसके बगल में आपको इनकस, स्टेपिज आपको जो है वो आपका ऐसा ही दिखाई देता है, सबसे छोटी हड्डी, है ना, तो आपको घोड़े के नाल, मतलब घोड़े के जो रखते हैं पैर उसके ऐसा, और बीच में इनकस है जिसको एनबिल भी बोलते हैं, एनबिल बोलते हैं, और हैमर हथौड़े ऐसा शेप है उसको बोलते हैं मैलियस, इसको हैमर भी बोलते हैं। ये तीन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तीन जो आपको दिखाई दे रहा है सीम, वो मिडिल एयर का पार्ट है। सीम बोल ले या मिस बोल दे, दोनों बात है ना, इधर से बोल ले या उधर से बोल दे, है ना, पहले मैलियस फिर इनकस फिर स्टीम। तीसरा जो पार्ट है हमारा इनर एयर, जो आंतरिक कान है, वहां पे आपको ये सारे दिखाई देंगे, ठीक है। अभी हम लोग सबको फंक्शन समझेंगे। तो हमारा कोई भी जो साउंड जो आएगा, साउंड का जो वेव आएगा, जो भी आएगा, है ना, साउंड का जो लहर आएगा, वो पहले हमारे इस बाहरी पार्ट से एंट्री करेगा और एयर कैनाल के थ्रू
जाएगा, एयर कैनाल के थ्रू जाएगा। और एक गेट समझ लीजिए आप, या बोल सकते कि जिसे बोलते हैं ना पर्दा, कान का पर्दा बोल लेते हैं ना, कान का पर्दा वहाँ फट गया। या आप कभी स्पीकर देखे होंगे तो स्पीकर में जिस तरह से पर्दा लगा रहता है, ड्रम जिसको बोल सकते हैं, ड्रम या ढोलक में आपको जो बाहर, तो ड्रम जैसा ही होता है, उसको बोलते हैं एयर ड्रम। एयर ड्रम भी बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कर्णपटल झिल्ली। तो ये कर्ण झिल्ली या कर्णपटल झिल्ली जो आपका है, एयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल दें, ये आपको इसको ही बोलते हैं स्पीकर, आपका एक ड्रम जैसा ही होता है। आप समझ रहे बात को? अब तो आप समझिएगा बात को, ये आपका क्या है, कान का जो बाहरी हिस्सा है एयर कैनाल से, हाँ जो साउंड वेव है, साउंड वेव आ रहा है, साउंड वेव जा रहा है, यहाँ से ढकेलते वाइब्रेशन उत्पन्न करते करते यहाँ के जो भी, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी मॉलिक्यूल, छोड़ ढकेलते वाइब्रेशन उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ रहा है ना। तो हम आउटर एयर को जनरली बोलते हैं कलेक्ट और कंडक्ट, ये बाहर से साउंड को कलेक्ट कर रहा है, उसको कंडक्ट करके आगे की ओर भेज रहा है। तो आउटर एयर का काम यही है, आउटर एयर का काम यही है। अगर आपको ये कान वाला जो पिन्ना हटा दे, पिन्ना तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सुनने में, है ना। तो पिन्ना जो आउटर एयर है, पिन्ना और ये जो हमारा एयर कैनाल, इसका काम है साउंड को कलेक्ट करना और कंडक्ट करवाना आगे तरफ। फिर जब इनका, जब एयर ड्रम के बाद जो एरिया आएगा वो आ जाएगा हमारा हमारा मिडिल एयर, मध्य भाग। और मध्य भाग में तीन हड्डियां हैं, और ये तीनों हड्डियां, ये तीनों जो पार्ट है, तीनों ऑर्गन्स है, इनका काम है साउंड को एम्पलीफाई करना, साउंड की तीव्रता को बढ़ा देना, सॉरी साउंड की जो एम्पलीफिकेशन है उसको बढ़ा देना, साउंड को तेज कर देना, साउंड वेव जो आ रहा है उसको क्या कर देना, तेज कर देना। सर बात को, साउंड वेव को तेज कर देना, समझ रहे बात को? तो साउंड वेव को जनरली तेज क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण है, क्योंकि हम लोग हवा में साउंड वेव तो ठीक है ट्रेवल कर जाते हैं, नॉर्मल में है ट्रेवल कर रहे, लेकिन लिक्विड में जब आप देखिएगा, आप एज फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, लिक्विड में अगर आप हाथ अपना हिलाते होंगे, लिक्विड में ऐसे हाथ डाल के, तो थोड़ा हाथ हिलाने में थोड़ा सा कठिनाई होता होगा, हवा में ऐसे हाथ हिलाइए तो आराम से ऐसे हाथ हिलते रह जाएगा। तो अब वहाँ पे साउंड वेव जो भी आएगा, साउंड वेव जो इसमें आएगा, वाइब्रेशन उत्पन्न करना पड़ेगा, वो तेजी, उसमें थोड़ा दम होना चाहिए, तब हिला पाएगा, तभी तो यार सही तरीके से प्रोड्यूस हो पाएगा साउंड और सुन पाएंगे हम सही तरीके से। यहाँ पर लिक्विड होता है इस वाला इनर एयर में, जो लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा हमारा कान का, वो उसमें लिक्विड पार्ट होता है। तो इसीलिए तीनों हड्डियाँ हैं, इन तीनों हड्डियों का काम है एम्पलीफाई करना, मेलियस इनकस टेपस, खत्म बात। ये देखिए हड्डी, लास्ट वाला हड्डी इनकस जुड़ा हुआ है ना, यहाँ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, फिर यहाँ पे साउंड आएगा, इसमें आपका लिक्विड भरा होता है। और ये जो गोल जलेबी वाला पार्ट, इसे देख रहे हैं गोल जलेबी वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कॉकिया, कॉकिया। और यहीं से हमें सुनने को समझ में आता है कॉकिया, और इसी कॉकिया से जुड़ा होता है बहुत सारे ऑडिटरी नर्व, बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन कोशिकाएं, नर्व बोल सकते हैं ना, तंत्रिकाएं आपको ऐसे जुड़े हुए होते हैं जो हमारे दिमाग के पास जाता है, और हमें साउंड को समझने में आसानी होता है, साउंड को हम सही तरीके से समझ पाते हैं जो भी चीज़ें। तो आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो है ना। अरे देखिए स्टेचन ट्यूब है, ये आपको देखिए स्टेचन ट्यूब है, आपको दिखाई देगा इधर, है ना, स्टेचन ट्यूब है आपको, फिर कॉकिया हो गया। तो इन सारे को आपको बस नाम याद रखना है कि कहाँ पे साउंड उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पे साउंड हो रहा है, अति है ना। तो आपका स्टेचन ट्यूब हो गया, फिर मैंने अभी कॉकिया के बारे में बताया, तो कॉकिया आपको याद रखना, ठीक है सर बात को, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉकिया में आपको बहुत सारे तंत्रिकाएं होते हैं जो कि दिमाग को पहुँचाता है संदेश कि साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, सुनो सुनो, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सुनने का काम करेगा आपको कौन, कॉकिया, एम्पलीफाई करने का काम करेगा ये तीनों हड्डियां, कलेक्ट करेगा आपका एयरपिन। इसमें जो लिक्विड भरा होता है वो लिक्विड होता है इंडो लिम्फ होता है, लिक्विड का नाम है इंडो लिम्फ, और ये लिक्विड आपको मेम्ब्रेन लेबरिंथ ऑफ इनर एयर में जो ये आपको इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो आपको भरा हुआ है उसका नाम है इंडोलिम्फ। बीपीएससी टीचर का सवाल है ये, आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको कौन सा इंडोलिम्फ इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में आपको पाया जाएगा, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेनस भी होते हैं और बोन भी होते हैं, तो उसमें आपको पाया जाएगा इंडोलिम्फ। तो बस इतना आपको कान के बारे में याद रखना है, कान के बारे में दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग ग्लैंड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम कर लेंगे, है ना, वीडियो तुरंत अपलोड कर देता हूँ उस ग्लैंड वाला, ठीक है। तो ग्लैंड्स के बारे में हम लोग, क्योंकि देखिए बड़ा वीडियो का आप लोग देख नहीं पाएंगे, बड़ा वीडियो जाएगा 2 घंटे का तो देख नहीं पाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हम लोगों ने आई के बारे में कवर किया,
और हम लोगों ने एयर के बारे में कवर किया। ये दो पार्ट के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो आप तुरंत देखेंगे, उसमें हम लोग ग्लैंड्स के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, है ना, ग्लैंड्स के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा 1.5-2 घंटे का, तो आप लोग नहीं देख पाएंगे और ग्लैंड्स हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम लोग इसको इसी यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आँख और एयर के बारे में अगर पढ़ लेंगे तो कोई सवाल नहीं छूटेगा, जो कुछ बचा खुचा सवाल रहेगा उसको हम लोग MCQ से पूरा कवर अप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्दी मिलेंगे और उसमें हम लोग करेंगे ग्लैंड के बारे में। ठीक है, हम हालांकि मैंने बोला था इस वीडियो में कि मैं आपको ग्लैंड पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।